जिला सोलन के धर्मपुर में वीरवार को पुलिस विभाग और एनएचआई पेट्रोलिंग द्वारा सड़क के किनारे बैठे रेहड़ी फड़ी वालों को सड़क किनारे से रेहड़ियों को हटाने की चेतावनी दी गई ताकि एनएच पर जामबाज सड़क हादसों से बचा जा सके। पुलिस के अनुसार प्रशासन की ओर से सड़क के किनारे लगी रेहड़ियों को हटाने की गाइडलाइन जारी हुई है। इसका पालन करते हुए पुलिस विभाग और एनएचएआई पेट्रोलिंग ने सनावरा से पटा मोड़ तक पहले दिन चेतावनी दी है। यदि रेहड़ियों को रेहड़ी धारक खुद नहीं हटाते हैं तो कल से इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये आज पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारी पेट्रोलिंग की टीम है और साथ में एनएचआई की जो टीम है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो एनएच पे अवैध तरीके से जो पार्किंग की हुई गाड़ियाँ हैं या जो रेहड़ियाँ लगी हैं जिससे कि काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं उस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो इसे हटा लें वहाँ से, और ताकि वहाँ जो अतिक्रमण है और वहाँ पे जो अवैध रूप से गाड़ियाँ पार्क कर रखी हैं, इलीगल पार्किंग है, उसको हटा लें, अन्यथा कल से इसे प्रशासन इसमें कार्रवाई शुरू करेगी। और ये जो पूरी कार्रवाई है लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र की जा रही है। तो अच्छा, तो मेरा निवेदन रहेगा धर्मपुर के वासियों से कि इसमें सहयोग दें और सड़क के किनारे जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इलीगल पार्किंग है, आइडल पार्किंग है, उसको हटाएँ, और जो रेडी वेग वाले हैं या फिर जो और अन्य जो जिन्होंने दुकान लगा रखी है सड़क के किनारे जिसके कारण भी जो काफ़ी मात्रा में गाड़ियां वहां रुकती हैं और जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, उनसे भी है निवेदन कि वो अपना कोई अन्य स्थान सुनिश्चित करें अपने लिए, और निवेदन है सहयोग दें ताकि इसमें हम सुचारू रूप से लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मपुर से सतीश।